हे व्हाट्स अप गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 3। तो गाइस आज की वीडियो में हमें क्या करना है आपको पता है ना, जो कि हम लास्ट वीडियो के एंड में प्रॉमिस किए थे, हमारे डॉगी के लिए एक पार्टनर ढूंढना। फिर हम विलेज में क्या करेंगे, बहुत सारे एनिमल को एक साथ एक घट्टा करके मतलब ब्रीडिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे से नहीं, मतलब शिप काउ से थोड़ी ना ब्रीडिंग करेगा, मतलब दो काउ, दो शिप, दो पिग्गी मैन, पिग्गी गाइस, उन दोनों का मतलब ऐसा फैंसिस में हम एनिमल फार्मिंग करेंगे एक तरह से बोलेंगे। और गाइस देख सकते हैं हमारा डॉगी एकदम उदास सा बैठा है वहाँ पे, और देखो कितना मतलब देख रहे हैं उसको, अभी से पार्टनर की ज़रूरत है, ये तो बेचारा खुश नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते जैसे ही पार्टनर का नाम लूँगा ना, उसके तो आजू बाजू से दिल निकलना चालू हो जाता है, मतलब कितना खुश हो जाता है। इसलिए हम उसको सबसे पहले हम वीडियो में पार्टनर ढूंढेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। फिर से खुश हो गया भाई, वो देख रहे हो भाई, मतलब इसके तो इरादे बहुत नेक है, मतलब एकदम आर्मी बना देगा मेरे लिए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस यहाँ पे एक खतरनाक नाइट मतलब नाइट होने वाले, वो खतरनाक नाइट्स में हम सर्वाइवल नहीं कर सकते फिलहाल तो, क्योंकि हमारे पास इतना तो वेपन्स नहीं है। पर उससे पहले हम सो जाते हैं और पैर से गुड मॉर्निंग कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि मेरे लेटेस्ट गेम प्ले आपको सबसे पहले मिलते रहे। और यहाँ पे हमारी प्यार से गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब प्यार से सुबह। और यहाँ पे हम एकदम अच्छे से व्यू के साथ जाएंगे हमारे डॉगी के लिए एक पार्टनर ढूंढने। तो सबसे पहले हम बोन्स देखेंगे भाई, 3 बोन्स से कोई ना मिल जाएंगे। तो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, मुझे ना टायरेड मिला था, इसका क्लिप अभी दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो टायरेड मिला था थोड़ा सा, इसका क्लिप आप देख सकते हो अभी। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा भटक रहा था और मैंने एक टायरेंट भाई ड्राउन ज़ोंबी को मार दिया, 2 मार दिया, उसमें से एक जन ने टायरेंट ड्रॉप कर दिया, अच्छी बात है ना। तो गाइस देख लिया आपने क्लिप, तो मुझे सच खेल रहा था और मैं सोचा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूँ उठाते टाइम, मतलब मैं मारने टाइम तो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया था, पर जब उसने ड्रॉप किया तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था। और तो भाई उड़ जा आज, और तेरे लिए सबसे पहले हम पार्टनर ढूंढने जाएंगे। तो चल मैंने उधर देखा था एक पार्टनर, तेरे लिए अच्छा था, मतलब चलेंगे। और 3 बोन से आई होप वो 3 बोन में हो जाना चाहिए। तो चलिए उसके पहले कुछ ढूंढ लेते। और यहाँ पे देख सकते गाइस, मतलब मेरे पास 2 ओपी आइटम भी मिल चुके फिशिंग करते करते। एक है बो जो कि अनब्रेकिंग है यार, मुझे लगा अच्छा मिलेगा, मैंने रिवील भी नहीं किया था मेरे टाइम। और आई होप इंचैंटमेंट बुक है जो कि अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो यार फिर से एकदम अनब्रेकिंग बो। एक क्या है भाई, वो भी कर्स ऑफ मैनेशिंग, इससे क्या ही फ़ायदा। पर आई होप कि इंचैंटेड बुक भी अच्छी होनी चाहिए भाई, मेंडिंग दे दो कुछ तो, लूटिंग 3 दे दो भाई, मज़ा आ जाएगा। पर एक क्या भाई, इम्प्लाइंग 4 और मल्टी शॉट 1, इससे क्या होगा। मल्टी शॉट तो क्रॉस बो में लगता है, मतलब एक साथ हम 3 एरो शूट कर सकते। और इम्प्लाइंग 4 तो टायरेंट, मतलब टायरेंट के लिए तो हमें एक इंचेंटमेंट मिल गया कोई ना। और ही मुझे डाउन जोमेन दिया था भाई, कॉपर इंगट दिया था। चलिए भाई डॉग कहाँ पे गया हमारा, बर्मिल रेडी रखते हैं और उसके लिए हम पार्टनर ढूंढने जाएंगे। तो चलिए भाई, अरे आजा बेटा क्यों वहाँ पे, आजा कम ऑन डॉगी, मेरे साथ ही रहना, घूम मत जाना। गाइस इतना घुमा पर और पार्टनर मिल ही नहीं रहा भाई, इस बैर में तो होना चाहिए कितना सारा। वो मिल गया बहुत टाइम बाद गाइस, मतलब बता नहीं सकता, मैं बहुत टाइम था इधर उधर घूमा और मिल गया भाई, टेम हो जा भी। ओ भाई साहब ये भी 1 बोन में टेम हो गया, इतनी खुशी, लगता है इन लोग की जोड़ी अच्छी जमेगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि दोनों भी एक एक टेम में एक एक बोन में टेम हो चुके। तो इनको अभी लेके जाता हूँ हमारे बेस में, और सोच रहा अभी से कॉपर हमारे पास तो वो नहीं है गाइस, क्या बोलते यार उसे, यार मुझे हाँ वीट नहीं है अभी, नहीं तो हम काऊ को भी लेके आ जाते और हमारा यहाँ से स्टार्ट प्लान है वो सक्सेस होने लग जाता। तो हमारे पास फिश भी है, आई होप कि कैट भी मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। पर मुझे पता है यार कैट बहुत वो होते, क्रेजी होते, मतलब जब भी देखेंगे तो भागने लग जाएंगे।
तो सबसे पहले हम जाएंगे डॉग को और उनकी ब्रीडिंग करेंगे और देखेंगे एक और प्यारा सा क्यूट सा पपी मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। कहाँ पे आ रहे क्या नहीं उन लोग, मुझे नहीं पता यार। और वो कैट भाई भाग नहीं रही है, उसको अच्छे से टेम करता हूँ भाई। टेम हो जा, एक दे दिए भाई, टेम नहीं हो रहा है। टेम हो जा, टेम हो जा। ओह भाई साहब लास्ट विश में ये भी टेम हो गया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मतलब आज की वीडियो की स्टार्टिंग इतनी ओपी हो चुकी है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने दो एनिमल को टेम कर दिया। ये क्या भाई, ये भाई पानी में मत जाना भाई, मर जाओगे। प्लीज़ यार प्लीज़, मुझे क्या करना पड़ेगा अब, इनको ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। पर इन लोग पानी से बाहर आए तब ना भाई। आ जाओ भाई, आ गए। ओ भाई साहब क्या मस्त यार, मतलब कितना क्यूट लगता है। इनके पास तो कुछ है नहीं, इनको ब्रीडिंग, इनको क्या खिलाओ, कुक इनको ही खिला देता हूँ यार, मतलब कुक भी भाई हो जा ब्रीडिंग। ओ भाई साहब इनकी कुछ हो गई। वो भाई सब एक डॉगी भी आ चुका है छोटू सा, मतलब कितना क्यूट दिख रहा है यार गाइस, मतलब एक नंबर। ओपी ओपी के अलावा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता यार, मस्त दिख रहा है, क्या क्यूट दिख रहा है। और एक छोटा मैंने पपी देखा था जो कि भाई एकदम मर्डरिस्ट है, मतलब मैं उसको उसके रिकॉर्डिंग करना चाहिए तो सबको मार रहा था गाइस, मतलब एक को भी नहीं छोड़ रहा, सबको मारते जा रहा था। और किटी कैट टू इधर ही बैठना, सबसे पहले हम इनको यहाँ पे लाएंगे। भाई यहाँ पे आ जाओ, तू आ गया सीट कर। अरे भाई भाग गया। एनी वेज इनको यहाँ पे अब बैठा के हम जाएंगे, थोड़ा अपना काम करेंगे, थोड़ा पेड़ वेड़ काटेंगे यार, मतलब क्या ही करेंगे, फेंसेस बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पेड़ को ही काटना है वैसे बड़ा काम नहीं है। तो चले भाई पेड़ को काट लेते बहुत सारे। और हम तू इधर थोड़ा लंबा लंबा रहो, क्रीपर फूट गया तो मैं तुमको खोना नहीं चाहता यार, मतलब मेरे सर्वाइवल सीरीज के स्टार्टिंग के पेट से तुम। और तू भी वहाँ पे रहना, कीपर के सामने भाई फूटना मत यार प्लीज़। और यहाँ पे हमारा शुगर फार्म भी, शुगर केन फार्म भी अच्छा वर्क कर रहा है, फार्म ही हो गया गाइस वो अभी, इसको ऑटोमेटिक फार्म नहीं बोल सकते पर फार्म हो गया। लास्ट टाइम गाइस मैंने मतलब वीडियो में नहीं, रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं, ऐसा विदाउट रिकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे हुड तोड़े, स्प्रूस हुड, तो उससे हम हुड प्लैंक बना देंगे और उससे हम बहुत सारे स्टिक्स बना देंगे ताकि हम फैंसेस भी बहुत सारे बना रहे। तो ये मेरा भी, मेरे पास तो नॉर्मल कम है स्प्रूस वुड, तो अभी जो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जो चेस्ट है वहाँ से बहुत सारे ले लूँगा और फिर से हम बनाएंगे फैंसेस। तो भाई 9 ही बन चुके हैं तो अभी मुझे और हुड प्लैंक बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने जो ऊपर चेस्ट है उसमें से थोड़ा निकाल लेता हूँ और उससे हम बहुत सारे बनाएंगे। तो देख सकते 36 है टोटल में, बस 36 स्प्रूस हुड। भाई क्या नाम है, स्प्रूस क्या ही बोलेंगे, पर छोड़ो। एनीवेज हमें फैंसेस को बनाने पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे हम पूरे बना लेता हूँ अभी, क्या ही कर लेंगे थोड़े से करके। तो देख सकते बहुत सारे बन जाते हैं गाइस, मतलब हुड लेंगे तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो फैंसेस अभी मेरे पास 57 हो चुके, जो कि इनफ है एक नॉर्मल एनिमल फार्म बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ, वो भाई साहब वो पेड़ बड़ा भी हो गया, नाइस यार। अभी सोच रहा हूँ यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर दूँ, नहीं वहाँ से करता हूँ फार्म साइड से, ताकि विलेजर ना आ पाए। और यहाँ पे मैं सोच भी रहा हूँ गाइस एक फार्म भी बना दूँ, एक नॉर्मल सा वीट फार्म। फिर अभी तो वीट, मुझे नहीं लगता इस विलेज में एक वीट फार्म होगा, क्योंकि विलेजर सब आलू और गाजर वाले, क्या ही बोलो गाइस, मतलब पोटैटो और कैरेट फार्म वाले ही है, तो आपको पता होगा। और अगर आपने मेरे स्काई ब्लॉक सीरीज अभी तक देखी नहीं होगी तो मैं इसकी लिंक भी कमेंट में दे, कमेंट सॉरी कमेंट बोल रहा हूँ गाइस, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप देख सकते हो। ये भी लग गया, अरे यार गलती गलत जगह पे लग गया, तो ये भी लास्ट लग गया गाइस। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ एनिमल को पकड़ के लाना है, मतलब शिप्स हो गए या फिर का हो गए या फिर पिग हो गए। पिग तो हम ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास पोटैटो और कैरेट की तो कमी नहीं है। और एक गाइस ये सस्ते विलेजर भाई वीट का फार्म क्यों नहीं बनाते, तो अभी मुझे ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी गाइस मतलब वीट का बना ही दो खुद से। तो गाइस मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, पर मैं वीट फार्म बनाने टाइम ना मैं एक टायरेंट ने मुझे हमला कर दिया था, तो यहाँ पे देख सकते यही टायरेंट है और मैं ऑलमोस्ट पूरा बना ही दिया था वीट फार्म, इसी ने भाई मुझे बहुत डैमेज देके मार दिया।
और मेरे पास तो नॉर्मली इसके लेदर के आर्मर थे, तो गाइस देख सकते इसने टायर एंड भी ड्रॉप नहीं किया गाइस, मतलब शिट यार इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा, एक भी मतलब दो टायर एंड हो जाते गाइस मज़ा आ जाता। और ये मैं ये फेंका क्यों भाई मुझे पता नहीं, गलती से गिर गया हाथ से। ओ भाई साहब ज़्यादा ही डैमेज गाइस, मतलब इसका कुछ ज़्यादा ही डैमेज है। ओ भाई साहब देख सकते गाइस एक हिट में तीन तीन हार्ट माइनस कर रहा है, मतलब भागो भाई साहब आपने तो मार देगा ये भी लास्ट टाइम, लास्ट टायरन की तरह मतलब ड्राउन ज़ॉम्बी की तरह, मतलब गाइस बहुत ही 103 आ चुके हैं गाइस। ओ भाई साहब एक क्या एक और टायरन मिल गया मुझे, ये कब मिला मुझे नहीं पता, पर अभी जस्ट मिला गाइस, शायद से मैंने दो ज़ॉम्बी मार हाँ दो ड्राउन ज़ॉम्बी मारे थे और ये लास्ट वाला है। हाँ गाइस लास्ट वाला ड्राउन ज़ॉम्बी है, इससे थोड़ा ओ भाई साहब क्या डैमेज है, मुझे भागना पड़ेगा पहले यहाँ से निकलो और इसे भी मारना पड़ेगा। तो मैं देख सकते हो यहाँ पे कवर बना के वो ड्राउन ज़ॉम्बी को मारा था, दो मारे थे गाइस दो मारे थे, मुझे अभी याद है दो मारे थे, और मेरे बूट्स वहाँ पे रह चुके हैं टायरन के पास बिल्कुल ही उसके साथ। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही डैमेज देता ही है, इसलिए इससे लड़ने के लिए हमें आयन की आयन चेस्ट प्लेट की ज़रूरत है, क्योंकि वो कम डैमेज मतलब ऑब्जर्व कर लेते डैमेज। भाग रहा है क्या ये, भाग गया भाई, अरे अरे भाग गया। मेरी फिशिंग रोड भी वहाँ पे गई, मतलब मैं फिशिंग भी कर रहा था तो मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं था अच्छा, पर इसको भाई भाग जा वेट भाई वेट मेरे वेट। तो मैं ना जो दो बोन से ना उसे बोन मिल बना के मैंने कुछ वेट को जल्दी से ग्रो कर दिया था। पहले इससे भागो भाई सब, उसका एम कितना अच्छा है भाई, मेरे से भी अच्छा इसका मैं देख सकते, थोड़ा सा ये रुक गया ना तो उसका एम परफेक्ट लग जाता है गाइस टायरन। और तू भाई तू धीरे धीरे भाग जा, तुझे भी मार देगा ये। और रही बात गोलेम की, ये इसे कोई तो मार रहा है, ओह भाई साहब इसने कैसे मार दिया भाई, इधर का ले गया कैसे वॉच इम्प्ले टू डेड बाय ड्राउन ज़ॉम्बी, मतलब इसने टायरन से ही मारा है, इसे तो मुझे अभी कुछ ना कुछ करके मारना ही होगा। पहले से थोड़ा लंबा जाओ, ओह भाई साहब कुछ ज़्यादा ही ओपी यार इसका टायरन, भागो मार देगा भागो। ओह भाई सब शिट यार गाइस, मतलब मैं ड्राउन ज़ॉम्बी से मर रहा हूँ भाई, विदर होता तो अलग बात होती है, पर एक ड्राउन ज़ॉम्बी पर मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसके पास एक ओपी आइटम है, मतलब ओपी वेपन है गाइस, मतलब बहुत ही ओपी है टायरन, आप देख सकते हैं अभी, दैट्स व्हाई सब लोग इसे टायरन को रेयर भी बोलते हैं, और ये ओपी आइटम भी है, तो समझ सकते हो ना बहुत ही ओपी है। कहाँ पे गए भाग गया क्या, ओ भाई साहब भाग गया लगता है, और मुझे अपना मैप सेव करके रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं जहाँ गया था वो मैप का तो मतलब सब भूल जाता हूँ। वैसे भी माइनक्राफ्ट ऐसी चीज़ है जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो माइनक्राफ्ट मतलब ओपी गेम है, सबसे अच्छा माइनक्राफ्ट गेम है, जिसको हम कंपेयर करते भाई GTA 5 से, मतलब ये फिर से आ गया क्या, अरे गाइस मतलब इसके पास कुछ ज़्यादा ही ओपी है। हाँ गोलेम है तो अभी डरने की बात नहीं है, हम गोलेम को आगे ढकेल देंगे। अब आ जा और आगे आ जा और आगे आ जा, ओ भाई साहब गोलेम को मारने गया, ओपी मार भी दिया उसको, कुछ ड्रॉप किया इसने देख लेता हूँ आगे आगे, कुछ तो ड्रॉप किया होगा, कुछ नहीं यार कुछ नहीं दिख रहा है। थैंक्स गोलेम जी आपका शुक्रिया, अभी किधर जा रहा है, अच्छा विलेज को बचाने, जाओ अच्छे अच्छे काम करो अच्छे अच्छे नाम कमाओ, तो मुझे अब सबसे पहले सोने जाना है, नहीं तो फिर से हम एक ड्राउन जैसे ज़ॉम्बी से मर जाएंगे। यार मैं इतना नूब कैसे हो सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो अच्छा खासा पीवीपी कर लेता भाई मिस्टर फैंटो के साथ, मे भी मिस्टर फैंटो इस ज़ॉम्बी से भी नूब होंगे पता नहीं, सॉरी मिस्टर फैंटो, अभी उनका तो नाम भी चेंज हो गया साइको पीयूस। तो अभी मेरे पास टोटल गाइस दो टायरेंट हो चुके और अभी मैं इतना खुश हूँ कि भाई पूछो मैं स्टार्टिंग के वीडियोस में, मतलब स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड के हमें दो दो ओपी वेपन्स मिल चुके हैं, तो अभी मुझे इसके ऊपर एक के ऊपर चैनलिंग लगाना होगा और एक के ऊपर क्या बोलते गए जो ऊपर उड़ा के ले गया था ना पानी में, मुझे नहीं पता उस इंचेंटमेंट का नाम, पर वो लगाना पड़ेगा आई थिंक, पता नहीं चैनलिंग और लॉयल्टी तो मुझे लगाना पड़ेगा, और एक और ड्राउन जो पर मैं इससे पंगे ना लेना हूँ, मतलब पंगे लूँगा ही नहीं तो जाता हूँ सोने। This